तो फ्रेंड्स देखिए, अभी रात के बज रहे हैं 2 और तनवीर और रिमशा दोनों सो गए हैं। मैं कर रही हूँ इस टाइम पे सुबह की तैयारी, यानी कि इन दोनों की ईद की तैयारी। ये मैंने तनवीर का सामान निकाल दिया है जो उन्हें सुबह ज़रूरत पड़ी की, टोपी वगैरह। ये उनका सुबह किया कुर्ता पजामा मैंने आयरन करके टांग दिया है। अभी मैं अपनी चूड़ी वगैरह बना रही हूँ, चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपनी सुबह की ड्रेस के लिए, यानी कि ईद की जो मैंने अपनी ड्रेस बनाई है उसके लिए चूड़ियाँ भी बना ली हैं। और मैंने एक हाथ पे इस तरीके की मेहंदी लगाई है, थोड़ी हल्की, क्योंकि अभी हमारे घर में शादी आने वाली है, तब मैं प्रॉपर मेहंदी लगवाऊँगी अच्छी सी। तो अभी मैंने हल्की सी मेहंदी लगाई है, अभी एक हाथ पे और मेहंदी लगाऊंगी। वैसे इस बार मेरा मेहंदी लगाने का मूड नहीं था, पर तनवीर कहने लगे मेहंदी तुम हर बार लगाती हो तो इस बार भी लगाओ, चाहे थोड़ी सी लगाओ। तो उनके कहने पे मैंने ये हल्की सी मेहंदी लगा ली है। तो अभी दूसरे हाथ पे लगनी बाकी है, तो चलिए अब दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको ईद मुबारक हो। और ये देखिए मेरी रिमशा के और रिमशा के डैडी की तरफ से भी ईद मुबारक सबको। आप भी कह दो रिमशु हाय। और देखिए अब मैं इसे तैयार करती हूँ, इसको ये वाला कुर्ता पजामा पहना रहे हैं, ये रिमशु की टोपी, रिमशु के कड़े, और रिमशु अपनी जूती पहले पहन के तैयार हो गई है, पली टोपी। तो चलिए अभी मैं इसे निलाती हूँ, फिर तैयार करके मिलते हैं। ईद मुबारक हो माँ, कैमरे की तरफ देखकर ईद मुबारक को कह दो। और ये देखिए माशाल्लाह मेरा बच्चा तैयार हो गया है, सबको ईद मुबारक कह दो रिमशु। ईद मुबारक कह दो, ईद मुबारक कहो, चलो हाँ ईद मुबारक कहो सबको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स आप सबको ईद मुबारक हो। अब मैं तैयार हो गई हूँ, ये देखिए मैंने कितना खूबसूरत आउटफिट पहना है, ये देखिए ये मेरा आउटफिट है। और आज मैंने अपनी शादी वाली पजेब भी पहनी है, शायद आप लोगों को नहीं नज़र आ रही होंगी, फुल दिखाऊँगी जब बैठूँगी। ये मेरा ईद का लुक है, तो अभी चलते हैं उधर। और ये देखिए हमारे बच्चे माशाल्लाह से सब तैयार हो गए हैं, सब माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हेलो, और सब मेरी यूट्यूब फैमिली को क्या कहेंगे? अरे भैया सबको ईद मुबारक। तो चलिए अब चलते हैं मायके में ईद मनाने, यानी कि सबसे ईद मिलने के लिए। चलो चलो, ये तो व्लॉग के लिए है। अरे भैया फोटो नहीं खींचा, व्लॉग के लिए फोटो नहीं खींचता। पली तो मुंह में साल दो जे ना, पली आ गई और कहता तो ईद मुबारक, ईद मुबारक कह दो नानी, परी कौन लाया मुकी? ए कौन लाया मुर्गी की? मुकी कौन लाया मुर्गी? लौंगा खोल के तुम दोनों पियेंगे, जाओ मामू से कोई करवा लो। फूटी नहीं खोल रहे कोई, लौ मैं खोलूं? ओ नानू का लगा रहे, लौ मैं परी के भी लगा दो भाई, छी 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 करके लगाना, मतलब छी 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 करके। मैंने परी, ये मम्मी ने क्या पहन लिया?
छम पहनी है मम्मी ने, मम्मी की छम है ये, आपको चाहिए? परी अच्छी है, फूटी है। ऐसे तो ये सारा दूध पी लेगी, ये दूध नहीं पीती है बच्चा, यम्मी है। अच्छा वो सबको कह तो दो ईद मुबारक। हाँ इसे हटा के बोलो हाँ ईद मुबारक। और ये देखिए रिमशा कितने सुकून से नानी के यहाँ आके सो रही है काफी देर से। क्या कह रहे हो? हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी। अच्छी पहाड़ों में साफ हो जाता है। अच्छा हो गई आपकी भी नींद पूरी? हो गई। अच्छा चाय नाश्ता भी कर लिया? अच्छा ठीक है। ईद मुबारक हो सबको अम्मी की और शोभी की तरफ से। ईद मुबारक पूरी फैमिली को। बाय बाय कर रहे हो रिमशा, जा रहे हैं हम। बच्चा चलो भैया बाय 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 बाय। मायके से अब घर आ गए हैं। यहाँ पे आके देखा तो इल्मा और अनम हम लोगों से ईद मिलने आई हुई थी, उनके साथ बैठे ईद की मुबारकबाद दी, दही भल्ले शीर वगैरह खाई, खूब सारी बातें करी। तो अभी आने वाली है अप्पी, तो इन सब बच्चों के साथ साथ हम लोग भी सब अप्पी का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आ जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं रूम में आ गई हूँ, अभी चेंज वगैरह सब कर लिया है। अब करती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नए व्लॉग को लेके, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।